हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जानवर के बारे में, जिनका जिक्र हमें किताबों में भी नहीं मिल पाता है। इनमें से कुछ जीव समुद्री गहराई में तो कुछ घने जंगलों के बीच में है। जब इन्हें हम देखा जाता है तो पहला सवाल यह होता है कि यह अजीब सा दिखने वाला जीव कौन सा है। आज हम दुनिया के सबसे पांच अजीब जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए बिना देर की जानते हैं उन दुनिया के सबसे अजीब जानवर के बारे में। नंबर वन की बात किया जाए तो रेड लिप बैट शिप। इस मछली की खासियत यह है कि इसका ओठ बिल्कुल इंसान की जैसे दिखने में लगता है। यह मछली प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप पर पाया जाता है। यह मछली बढ़िया तैराक नहीं है, यह अपने छाती पर उगे बालों की मदद से पानी में तैर पाते हैं। अब नंबर टू की बात किया जाए तो पंडा चींटी। दुनिया में कई प्रकार के चींटी पाए जाते हैं जिन्हें काटने से थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, लेकिन हम आपको बता दें पंडा चींटी के बारे में, जो भारत में नहीं पाए जाते हैं या चीन में पाई जाती है। इन चींटियों के शरीर पर बाल होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर यह चींटी किसी इंसान को काट लेते हो तो दर्द महसूस नहीं बल्कि इसमें जहर इतना होता है कि आदमी की जान भी जा सकती है। नंबर तीन की बात किया जाए तो हमिंग बर्ड्स हॉक। दुनिया का सबसे छोटा चिड़िया हमिंग बर्ड्स की तरह दिखने में लगता है। हमिंग बर्ड से आप लोग तो परिचित होंगे, या आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों तरफ उड़ सकते हैं। उसी से मिलता जुलता यह बर्ड्स या फूलों के रस को मोहित करती है। हमिंग बर्ड्स हॉक की सबसे खास बात यह है कि इंसानों की तरह सभी रंगों को देख सकते हैं। अब नंबर चार की बात किया जाए तो गोब्लिन शार्क। शार्क से आप लोग तो परिचित होंगे ही, जो समुद्र की गहराई में पाई जाती है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक शार्क गोब्लिन शार्क के बारे में। यह दुर्लभ सा दिखने वाला शार्क की बात किया जाए तो इसका इतिहास लाखों साल पुराना है। गोब्लिन शार्क मिनिमम 100 मीटर के गहराई में पाई जाती है। यह दिखने में बड़ी खतरनाक लगती है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं इनमें से सबसे ज्यादा अजीबोगरीब जानवर कौन सा है।